बोला था सुनी सुनी सबे की बात। हाँ नहीं होश है क्या बिगाड़ लो, कैसे भी जो करना था तो कर चुके हो, तो सभी को बहुत ही कगार पे खड़ा कर दिया तुमने। मैं कैसे तुम्हारी है यानी कि अब खुद से पूछो, अब जिम्मेदार नहीं हो सभी की हालत के। मैं ये तक नहीं पता कि सभी जिंदा रहेगी या नहीं। साइलेंस प्लीज, हॉस्पिटल है। पेशेंट के हस्बैंड को फॉर्म साइन करना है, पेशेंट के पति को फॉर्म साइन करना है। यही है टेबल वाले, यही है करो ना साइन करो। इतना तो कर सकते हो, सभी के लिए ये भी नहीं कर पाओगे। बोलूंगा उसने पेशेंट का नाम लिखा उस पे सावी सावी लिखा, सावी गोयल, हस्बैंड नेम नित्यम दालमिया लिखा। आपने पूछा सर आप दालमिया आपके वाइफ गोयल ऐसा क्यों? वो शुरू से गोयल हाय। तो पहले तो आप कुछ सीन के बारे में जानना चाहेंगे, सावी को देख रहे खून में लथपथ है, आखिर क्या हुआ है और आप लोग भी काफी घबराए हुए हैं, कुछ बताना चाहेंगे? तो ऐसा हुआ है कि जो डिम्पी की साजिश थी नित्यम को हार्म करने की, वो नित्यम को तो हम नहीं कर पाई, पर नित्यम को बचाने के चक्कर में सावी को ज़रूर, मतलब सावी को खंजर लग गया है और सावी बहुत ज़्यादा सीरियस है इस वक्त। तो मैं और नित्यम उसको वहाँ से उठा के लेके यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल लेके आए हैं उसे और अंदर एडमिट करवाया है। तो इसलिए ये सब हालत है, इसलिए ये सब खून है, इसीलिए ये सब रोना धोना चल रहा है। देखिए ऐसा है कि मतलब अगर आप प्यार वाली फीलिंग्स अगर आप छोड़ भी दें तो भी ये बात तो बड़ी क्लियर है कि मानव तो भी ये बात बड़ी क्लियर है कि मानव जो है वो सावी के लिए बहुत केयर करता है। तो उस एंड से भी और उस सोच से भी मैं क्या कह रहा था कि हाँ, तो बात ऐसी है कि मानव जो है वो सावी के लिए बहुत केयर करता है और वो करता आया है अभी तक। तो अगर किसी के लिए जब आप इतना केयर करते हो तो प्यार हो या ना हो, सिर्फ केयर के नाते भी आप इतने हाइपर हो सकते हो, इतना मतलब इतना इंटेंसिटी पे बात जा सकती है। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ प्यार नहीं है, उसके अलावा जो दोस्ती वाला केयर है सावी के प्रति मानव का, उसकी वजह से भी ये सब जो है देखने को मिल रहा है, हाथ देखना और रोना और मतलब वो उम्मीद की सावी को कुछ ना हो। अगर आप कभी ट्विस्ट की बात करें तो कुछ बताना चाहेंगे फैंस को? क्या सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि नित्यम को जो होने जो हमला नित्यम पे होने वाला था वो नित्यम पे नहीं होके सावी पे हो गया है। तो अभी तक जैसा माहौल बनाया हुआ था कि नित्यम को कुछ होगा वो कुछ नहीं हुआ है और सावी इंजर्ड है और मतलब ऑलमोस्ट मौत के कगार पे खड़ी है, ऐसी हालत है। तो सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है, इससे बड़ा ट्विस्ट तो और क्या होगा। अभी तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ सबको, वापस वही बोलूँगा कि हमारा शो जो है वो 6:30 से 6 बजे के टाइम स्लॉट पे शिफ्ट हो गया है। तो जितने लोग 6:30 बजे देखते थे वो प्लीज़ 6 बजे भी देखिए। हम लोग पूरा जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आपको खूब एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। सब जानबूझ के किया सिस्टर, मारने की साजिश इसके लिए नित्यम दालमिया के लिए, सावी बीच में आ गई क्योंकि इसको कुछ होते हुए देख नहीं सकती ना वो। फिर तो ये पुलिस केस
के थाने को जाके इन्फॉर्म करके आती हूँ। Passing.